नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। मोदी सरकार की सबसे खूबसूरत मंत्री हरसिमरत कौर के चुनाव जीतने की दिलचस्प कहानी। देश भर में मोदी लहर होने के बावजूद पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीट में से 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, जिसकी वजह से यहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। पंजाब में एनडीए के हिस्से में मात्र 4 सीट ही आई हैं। वहीं बठिंडा लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमरत कौर बादल ने अपने निकटतम विरोधी कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजवड़िंग को 21,722 वोटों से हरा दिया है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरत पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी राजनीति में किसी से कम नहीं है। इस बात को हरसिमरत ने सही भी साबित किया। लोकसभा चुनाव में अपनी इस जीत के साथ ही हरसिमरत कौर ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। राजनीति के अलावा वे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। हरसिमरत को मुख्य रूप से पंजाब में घट रहे महिला लिंग अनुपात के विरुद्ध और वृक्षों को बचाने के लिए चलाए जा रहे नन्ही छां अभियान के लिए भी जाना जाता है। हरसिमरत की नन्ही छां अभियान की पहल से उन्होंने पंजाब के गांवों में 75 सिलाई केंद्र खोले, जिनमें 1900 से अधिक बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। हरसिमरत कौर बादल के पास कृषि, मीडिया और होटल उद्योग के क्षेत्र में एक बड़ा साम्राज्य है। वो गुड़गांव ट्राइटेंड होटल में अपना निजी ज्वेलरी व्यवसाय भी चलाती हैं। इसके अलावा वे एक फैशन डिजाइनर भी हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।